हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल। फैन बंद कर देती हूँ, फैन का आवाज आ रहा है। तो काय कस काय बराय ना, कैसे हो आप सभी? और बताइए, आप सब क्या कर रहे हो? सुबह की चाय हुई कि नहीं? मेरी चाय मस्त वाली हो गई है और अभी मैं रेडी हुई हूँ पार्लर जाने के लिए। तो चलिए, आपको साथ में लेके चलती हूँ। और आज का दिन, आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि फिर ना व्लॉग बनता नहीं है फुल डे का। तो आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। और दिमाग में इतनी कश्मकश चलती रहती, रात को इतने बुरे बुरे सपने आ रहे थे। रात को क्या, सुबह सुबह इतने खराब सपने आ रहे थे। माय गॉड, मतलब क्या ऐसा क्यों हो रहा था पता नहीं। दिमाग में बहुत सोच चलती रहती ना, पर मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। और बस आप लोगों का साथ है और साथ बना रहे, यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ, हिम्मत नहीं हारनी है। और चलिए, 9 बजने को आ गया ना, तो जल्दी से पार्लर पे जाती हूँ। आज मेरा उपवास है, तो देखती हूँ रास्ते में से साबुदाना खिचड़ी ले लूंगी, क्योंकि बनाने के लिए मेरे पास साबुदाना सिंगदाना नहीं था, तो मैंने कुछ बनाया नहीं है। तो मैं रास्ते से साबुदाना खिचड़ी ले लूंगी रेडीमेड, वो बहुत अच्छा बनाई थी उस दिन मैंने खाया था। तो उससे मेरा पेट भर जाएगा। आज एक नया बच्चा आ रहा है, थोड़ा सा ना न्यू बच्चे आते ना तो टेंशन रहता है कि वो रोएंगे, उनको कैसे संभालूंगी, कैसे हैंडल करूंगी। तो और फिर हो जाता है, 2-3 दिन में वो लोग एडजस्ट हो जाते हैं। तो गाइस, आपने चिल्ड्रंस डे का मेरा व्लॉग देखा के नहीं? बहुत प्यार से बनाया है झीलू ने, बहुत प्यार से मुझे इनवाइट किया था। और मैंने, झीलू ने, प्रियांश ने, निकिता ने और हम सब ने मिलके बहुत प्यार से वो व्लॉग बनाया है। तो आप लोग जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। अब मैं कोशिश करूंगी कि ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डालू। मैं करती नहीं हूँ, मैं बहुत लेजी हूँ, बस वीडियो डालने का काम करती हूँ और फिर उसके बाद पार्लर पे जाके पार्लर का काम और घर आके घर का काम, यही सब चलता रहता है। बाकी जो वीडियो को आगे बढ़ाने का काम है ना, वो करती नहीं, प्लेलिस्ट भी लगाती नहीं हूँ। तो यही सब चल चल रहा है। तो चलिए चलते हैं और फिर जो जो करेंगे दिन भर में, आज का डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। हाँ, और एक बात, आज ना मेरी बहन जा रही है, आई थी तो 2-3 दिन रही मम्मी के यहाँ, तो आज जा रही है, तो मैं जल्दी से पहुंचती हूँ उसके, मतलब निकलते वक्त मैं मिल लूँ उसको। नहीं तो वो जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत रहता है ना, इसकी वजह से वो लोग जल्दी निकलते हैं। घर से निकलने को तैयार होती हूँ तो पहले गार्डन का एक राउंड मारती हूँ। चलिए आपको भी दिखा देती हूँ मेरे पैसे का झाड़ कितना बड़ा हुआ। तो देखिए, ये मेरा पैसे का झाड़ बड़ा हो रहा है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। वाह, रोज देखती हूँ ये कितना बड़ा हुआ, कितना बड़ा हुआ, और आप लोगों को हर वीडियो में दिखाती भी हूँ। तो इस जर्नी में हम साथ में मिलके देखेंगे अपना पैसे का झाड़ जो दिवाली में उगाया है, वो कितना बड़ा होता है। तो गाइज, है ना मजे की बात। चलिए रास्ते में से साबुदाना खिचड़ी लेते हैं। तो गाइज, मैं यहाँ आई हूँ साबुदाना खिचड़ी लेने, और इनकी खिचड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो पार्सल ले लिया है एक। इनके पास है पोहा और उपमा, शीरा और साबुदाना खिचड़ी। शीरा पण मला त्या दिवशी खूप आवडला होता। तो मैंने अपना पार्सल ले लिया है और चल रही हूँ अभी, देखते हैं बहन गई या नहीं, मिल लेती हूँ उसको पहले, उसके बाद पार्लर पे जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं पार्लर पे और पार्लर हो गया है मेरा नीट एंड क्लीन, एकदम मस्त चकाचक। क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए, क्या करूँ, बताओ या ना बताओ। कश्मकश में रहती रहती हूँ, YouTube पे सब कुछ नहीं बता सकते ना गाइस, तो इसलिए ऐसा लगता है कि ये बात बोलूँ, ये बात ना बोलूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ।
चलिए कुछ खा लेते हैं। ये दिवाली की मिठाई का डब्बा है जो मुझे कल साक्षी ने दिया, तो उसमें से काजू कतरी उपवास है, तो साबुदाना खिचड़ी तो मैं बाद में खाऊंगी, तब ये काजू कतरी खा ही लेते हैं। और गाइज आप लोगों को काजू कतरी पसंद है? मुझे बहुत पसंद है। और पता नहीं आजकल की काजू कतरी तो इतनी महंगी है, पर इसमें काजू नदारद रहते हैं। टेस्ट नहीं आता है, फ्लेवर आता है सिर्फ, जो है वो चलाते रहो। और इसमें मिठाई ना बहुत तरह की मिठाई थी, रात को मैंने खाई इसमें थोड़ी, उपवास की ये दो तीन मिठाई है। लड्डू था मोतीचूर का, तो वो भी खाया, मुझे वो बहुत पसंद है। अभी उपवास का एक दो खा लूँगी तो मुझे एनर्जी आ जाएगी, बच्चे आएंगे तो बच्चे लोग को संभालने के लिए, और न्यू बच्चा आ रहा है आज, में जैसे मैंने बताया आपको, तो न्यू बच्चे को संभालना बोला तो थोड़ा दो तीन दिन तो डर लगता है, पता नहीं कैसे रिएक्ट करते हैं बच्चे, उस पर डिपेंड है सब कुछ। अतिथि है ना, रोज पूछती है, मम्मा आपकी कब की टिकट बुक कराऊं, आपकी कब की टिकट बुक कराऊं। मैंने उसको बोला जब की सस्ती हो ना तब की करा लो, डेट और ये देखने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह ना जब अतिथि पूना में थी ना, मैंने 2 महीने इसी तरह गवा दिया, नहीं तो वहाँ पूना में रहने को इतना अच्छा था ना, सोसाइटी भी इतनी अच्छी थी, उसका अतिथि का फ्लैट इतना मस्त था, पर मैंने ऐसे ही दिन गवा दिए। बाद में पछताती रहती हूँ। बदमाश बच्चे लोग, मस्ती कितना करते हो। कितना मस्ती करते हो। अरे खांसी आ रहा है, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, फिर हम लोग खेलेंगे, जल्दी लिखो। तो जैसे आप जानते हो मेरे प्ले स्कूल के बच्चे आ गए हैं, फिर भी अभी सारे नहीं आए हैं, दो तीन एब्सेंट ही है। ये बच्चा ना मुझे कहीं बैठने नहीं देता है, सारी मेरी जगह कैप्चर करके खुद में ही खेलता रहता है। क्या करता है वो, कुछ कुछ कर रहा है। क्या इसको तोड़ेगा? सब चीज तोड़ देगा ना, अपनी टीचर की सारी चीज, सेम सेम सब चीज तोड़ देंगे। आप लोग बहुत मस्ती कर रहे हो, अगर बच्चे होते नाम हमारा तो अबलू लड्डू, और दुनिया की हैप्पी बर्थडे है ना। और गिर जाओगे आरो, गिर जाओगे, सॉरी। तो यहाँ देखो ढोल पार्टी हो रही है इनकी। तो देखा आपने बच्चों ने क्या तूफान मचाया था, माय गॉड, इतना बच्चे लोग तूफान मचाते हैं ना कि ना पूछो बात। वैसे मुझे अभी भूख तो इतनी ज्यादा नहीं लगी है, लेकिन फिर भी लंच टाइम हुआ है तो खा लेती हूँ साबुदाना खिचड़ी, और बाद में क्या है फिर क्लाइंट चालू हो जाते हैं ना, तो फिर खाने को टाइम नहीं मिलता है, तो अपना खा पी के निपटारा करो, क्योंकि भूख लगे ना लगे थोड़ी देर के बाद तो भूख लगेगी ही लगेगी। तो देखिए साबुदाना खिचड़ी कैसी लग रही है, आ जाइए आप लोग भी खाने को। और बच्चे लोग को संभालना बोला तो पूरी एनर्जी वेस्ट होती है। 30 रुपीज में उसने मुझे इतनी खिचड़ी दी है, और तो कितना देंगे अगर हम घर में बनाने जाओ तो, सब चीज जुटाते जुटाते उतना हो जाता है। देखती हूँ टेस्ट करके और आपको भी बताती हूँ कैसी है। प्रोफेशनल है ना गाइस, तो प्रोफेशनल लोग बहुत अच्छे से बनाते हैं, और इसका टेस्ट ना मतलब तीखा
मीठा, हर टेस्ट इसमें आ रहा है। थोड़ा सा साबूदाने का टेस्ट आ रहा है। देखिए, देखने से बहुत सुंदर दिख रही है और खाने से भी बहुत अच्छी है, खाने में भी बहुत अच्छी है ना। मस्त लग रही है, खाने में बहुत अच्छी है। साबूदाना अच्छे से भीगा हुआ है, एकदम सॉफ्ट हुआ है। और सब लोग बोलते हैं घर पे खाना बनाओ, घर पे खाना बनाओ। यार ये लोग भी घर में ही बनाते हैं, आपने देखा ना कैसे डब्बों में पैक करके गर्मा गर्म लाती है। इन लोग भी पूरी हाइजीन मेंटेन करते हुए घर पे ही खाना बनाते हैं। तो खाना तो बहुत अच्छा है और मेरा अच्छा है। मैं सिर्फ दिन में उपवास करूंगी, रात को मैं खाना खा लूंगी। दिन भर उपवास कर लिया तो हो जाता था। और कल के व्लॉग में देखा आपने, मुझे सैंडविच खाने को मिल गया था। सैंडविच में 2-3 दिन से मुझे सैंडविच की क्रेविंग हो रही थी कि मुझे सैंडविच खाना है, मुझे सैंडविच खाना है। और देखो लकीली वो रात को मैं जाती हूँ तो सैंडविच वाला बंद कर देता है, तो मुझे अभी लकीली सैंडविच खाने को मिल ही गया। कल मुझे ज्योति ने सैंडविच बना के खिला ही दिया। तो छोटी छोटी विश मेरी जल्दी पूरी हो जाती है, बड़ी विश कब पूरी होगी क्या पता। मैं 2-3 विश मांग रही हूँ रोज, अब वो देखती हूँ वो कब पूरी होती है। तो चलिए पहले मैं इसको एंजॉय करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस सुबह से रात हो गई है और अब मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ घर पे। तो बैग, दिन भर से मेरा उपवास था, लेकिन शाम को रात होती है तो रात होती है तो मुझे कैमरा फोकस नहीं कर रहा था। तो जैसे रात होती है मुझे भूख बहुत तेज लगती है, तो मैं दिन में कितना भी उपवास कर लूं लेकिन रात को मैं घर जाके खाना बनाती जरूर हूँ। तो आज घर जाके जो भी रास्ते में कुछ ले लूंगी या घर जाके कुछ बनाऊंगी। 9 तो बज गए हैं तो चलते हैं, कल अतिथि का शूट है और उसके लिए उसको मतलब उसके एग्जाम भी है ना 20 तारीख को, पर उसका शूट है कल, तो उसमें पूरा दिन जाने वाला है। और मैं ना ऐसे घबरा जाती हूँ क्योंकि उसका एक फोन भी नहीं आता, सुबह से रात तक इतनी बिजी रहती है तो फोन नहीं आता है, उसको फोन करने को टाइम ही नहीं मिलता है। तो मैं इतना डर जाती हूँ ना कि न पूछो बात। तो चलिए मेरे साथ मेरे घर पे आपको साथ में लेके चलती हूँ। गाइस मेरी शॉपिंग हो गई है देखिए, और अब जा रही हूँ मैं घर पे। तो इस वीडियो को क्या करूँ, एंड करूँ? चलिए देखते, घर जाके देखेंगे, अदरवाइज मैं एंड कर दूँगी। ओके, लेके तो चलूँ आपको घर पे। चलिए जी, यहाँ पे लग गई है मेरी थाली, मूंग की सब्जी और अचार, पापड़, मसाला पापड़ है ये, मसाला पापड़ इन द सेंस पंजाबी पापड़ है, और ये मेरी तली हुई रोटी। तो गाइज मेरे रिलायंस की शॉपिंग देखनी है आपको तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर से देखिएगा, मैंने क्या क्या लिया है वो बता दूंगी। और आप लोग भी डिनर करने आ जाइए मेरे साथ, यम्मी वाला गर्मा गर्म, धुआं कैसे निकल रहा है। बोलोगे सुबह तो उपवास किया था और अभी खाना कैसे खा रही है, मैं रात को खाए बगैर नहीं रह सकती हूँ। भले दिन भर में निकाल लूँ भूखी प्यासी, रोज का ही है मेरा, दिन भर में निकाल लेती हूँ भूखी प्यासी, लेकिन रात को मुझे खाने को चाहिए। तो तुलसी की शादी हो गई है तो अब खाना एंजॉय करते हैं, शादी का खाना